गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर न्यू टॉपिक स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझें, व्हाट इज स्टोइकोमेट्री एंड व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। दिस वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टोशियन एंड मीट्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोशियन? दैट इज एलिमेंट एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर वी डील्स विद कैलकुलेशंस, व्हेनेवर वी डील्स विद रिएक्शंस, देन वी डू दैट ऑलवेज इन सम वॉल्यूम्स और मासेस। मास में या वॉल्यूम्स में ही हम वो कैलकुलेशंस करेंगे एंड दैट रिप्रेजेंट्स स्टोइकोमेट्री। इसको हम स्टोइकोमेट्री का रिप्रेजेंटेशन वही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जो कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, आपने 10th क्लास में भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, आपने हमेशा वहाँ पर भी आपके टीचर ने बार बार एक चीज़ बात कही होगी, नोटिस करवाया होगा आपको कि योर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस। योर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। वो बैलेंस्ड रिएक्शन इसीलिए कहते हैं बिकॉज हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं एक रिएक्शन से रिलेटेड, जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो या तो मासेस में होंगी या वॉल्यूम्स में होंगे। अगर गैसेस होंगे तो वॉल्यूम्स लेंगे, अगर नॉर्मल हमारा सॉलिड या लिक्विड हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हम मासेस लेंगे। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, वही रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्रीक वर्ड जो है स्टोशियन, दैट मीन्स एलिमेंट, और मीट्रॉन मतलब मेजर। एलिमेंट का मेजर वो कहाँ से लेकर आएंगे? वो हम सिर्फ रिएक्शन से ही लेकर आएंगे। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग स्टोइकोमेट्री, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन का और इस स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से हमें इसकी न्यूमेरिकल्स या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करना है। सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट एनीथिंग, योर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैंने यहाँ एक इक्वेशन ली है, यहाँ मैंने एक रिएक्शन ले ली है, रिएक्शन मैंने कंसिडर की है कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन है आपका, उसका कंबशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। हमने मीथेन लिया, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने के बाद हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा मीथेन एग्जॉस्ट हो गया। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि कितना मीथेन का कंबशन होने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर बनेगा? उसके लिए मुझे एक बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। अगर मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होगी तो मैं ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाऊंगी। जो भी मेरे जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, दे आर ऑल आर रिएक्टेंट्स जिसमें कि मीथेन है और ऑक्सीजन है, और जो भी मेरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स राइट हैंड साइड पर लिखे हैं, दे ऑल आर प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स। अब आप एक चीज़ देखिए, कार्बन एक है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में चार हैं, राइट हैंड साइड में भी चार हैं, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में फोर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी फोर है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर हम ऑक्सीजन के आगे और वाटर के आगे टू टू वैल्यूज ना लगाएं, इनके इनको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मतलब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल नंबर लगा होता है, न्यूमरल लगा होता है, दैट इज बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप यहाँ पर मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूँ कि CH4 ने, वन मोल ऑफ CH4 ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, तो वेरी सिंपल, वन मोल में कितने ग्राम्स है CH4, दैट इज 16 ग्राम्स, क्योंकि कार्बन 12, हाइड्रोजन का वन लेंगे अप्रोक्सीमेट, दैट इज 16। तो 16 ग्राम ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, दैट इज 16 × 32 = 12 = 44। वन मोल ने इतनी बनाई तो टू मोल्स कितने बनाएंगे या 0.5 मोल्स कितने बनाएंगे या 8 ग्राम्स कितना बनाएगा, वो सारी कैलकुलेशंस हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टोइकोमेट्री के बेसिस पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात आ गई है, वन मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of oxygen, बिल्कुल हम इस रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इतने तरीके से। अगर आप फिर से वही रिएक्शन देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि जो आपका यहाँ पर 1 है, इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो दिस इज 1, तो 1 मोल ऑफ मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विद और कंबाइन विद 2 moles of oxygen, दैट मींस दैट
प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. तो इस बात को कहने के लिए मैं मोल्स भी यूज कर सकती हूँ, इस बात को कहने के लिए मैं ग्राम्स भी यूज कर सकती हूँ. एज दीज आर गैसेज, यू नो गैसेज सारी के सारे जो रिएक्शन करती हैं वो वॉल्यूम्स में करती हैं, तो मैं इनको वॉल्यूम से भी रिलेट करके डिस्कशन कर सकती हूँ. तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस तरीके से दे सकती हूँ जैसे कि यहाँ पर दिया गया है. 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल है कार्बन मीथेन का, जिसको हम मीथेन ले रहे हैं, हमने मीथेन यहाँ पर गैस ली है. 2 molecules of oxygen से वो रिएक्ट की, 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water बना. अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात करूँ तो 22.7 liter of methane reacts with 45.4 liter of oxygen, क्योंकि डबल है उसका अमाउंट, to give 22.7 liter of carbon dioxide and gives 45.4 liter of water. So in this way there are a number of ways, बहुत सारे ways. I'm last वाला जो representation है वो grams में दिया है. तो ये तरीका है किसी भी reaction को represent करने का, अपनी calculations को solve करने का, जो कि हम बहुत ज़्यादा अपने numericals को solve करने में use करते हैं. This is for today. Thank you and have a good day.